स्टडी लैम्प के बेस में RGB LED लाइट है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, और बेस में भी जो LED लाइट है, मतलब ये RGB वाला, ये भी अच्छा खासा पावरफुल है। वेलकम दोस्तों टू न्यू वीडियो। दोस्तों मेरे पास इतना बड़ा बॉक्स देख रहे हैं, ये दूसरा कुछ नहीं है, एक स्टडी लैंप है। ये है सिस्का की तरफ से, सिस्का LED लैंप फॉर डेस्क, और जो नंबर है वो है SSK TL1009। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसको अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सो ये जो बॉक्स था बहुत ज्यादा बड़ा था एंड सिक्योरली पहुंच गया है। सो देख सकते हैं यहाँ पे सिस्का डेस्क LED फ्लेक्सी करके लिखा हुआ है। सो ये जो फ्लेक्सी नाम है, ये वेबसाइट पे तो है नहीं, मतलब ई कॉमर्स साइट पे। सो चलिए इसको ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद तीन चीजें यहां पे दिखने को मिल जाता है। ये रहा LED लैंप, ये नॉन रिचार्जेबल लैंप है, साथ ही साथ इसका जो चार्जर है वो भी यहां पे दिखने को मिल रहा है, एंड थर्ड चीज है यूजर मैनुअल, बेसिक से यूजर मैनुअल यहां पे दिया गया है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा प्रीमियम लैंप है क्योंकि बिल्ड क्वालिटी सुपर, अगर सुपर बोलो तो भी कम है। मैंने अभी तक जितने सारे रिचार्जेबल लैंप का अनबॉक्सिंग किया है, सब में अगर मैं कुछ ही लैंप का नाम लूं के बहुत ज्यादा प्रीमियम है, उसमें ये वाला लैंप आता है, नॉन रिचार्जेबल है। थोड़ा पास से दिखा देता हूं, देख सकते हो ये रहा लैंप का टोटल स्ट्रक्चर। थोड़ा गूज जैसा शेप दिया गया है यहाँ पे, सिस्का का ब्रांडिंग यहाँ पे दिखने को आपको मिल जाएगा, एंड टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको प्लग कर लेते हैं। चार्जर का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा खासा दिया गया है, मतलब हाथ में थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है। अगर मैं दूसरे कोई भी लैंप का चार्जर मतलब हाथ में ऐसे पकड़ूँ, और ये थोड़ा प्रीमियम, डेफिनेटली वायर का जो क्वालिटी है मतलब प्रीमियम लग रहा है मुझको। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये लैंप जब भी पहला बार आया था ना, इसका प्राइस था 4,500 रुपीज़। बहुत दिनों तक, मतलब सालों तक ये प्राइस था, एंड बॉक्स के ऊपर अभी भी जो MRP लिखा है ना, वो 4,500 ही लिखा है। मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। शायद आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा है कि 4,500 रुपीज़। दोस्तों ये लैंप जब भी आया था ना दोस्तों, उतने प्राइस में बिक रहा था, एंड आप मानोगे नहीं, मुझे ये लैंप सिर्फ 999 रुपीज़ में मिल गया है, मतलब 4,500 में बिक रहा था। हाँ बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ था, 2700-2800, मेरे ख्याल से 2300 भी देख रहा था, मतलब जा रहा था, लेकिन मैं जो प्राइस में खरीदा, मतलब 999, मतलब मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है। इतना प्रीमियम क्वालिटी हेवी है लैंप, टाइम वेस्ट ना करते हुए लैंप को ऑन करते हैं। सो दोस्तों इसका जो वायर है मुझे अच्छा खासा लग रहा है, मेरे ख्याल से शायद 1 मीटर या फिर 1.2 मीटर जैसा होगा। तो इसको प्लग कर देता हूँ यहाँ पे, एंड इसको बैक साइड में देखिए, यहाँ पे दिखेगा प्लग करने की जगह। सो यहाँ पे कर दिया मैं प्लग, एंड लैम्प को अभी ऑन करने का कोशिश करेंगे। सो पहली बार दबाया, ऑन हो गया। बाय द वे थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ, फर्स्ट टाइम ऑन, सेकेंड और ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा, सेकेंड, थर्ड, फिर शायद ऑफ हो जाएगा। सो ऐसा होते रहेगा। एक काम करता हूँ, रूम का जो लाइट है वो बंद कर देता हूँ, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ISO को मैंने 800 पे सेट कर दिया है। मैं पहले 1000 या 1200 पे ISO को रखता था, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें आप थोड़ा मिसगाइड हो सकते हो, शायद आपको लगे कि ब्राइटनेस मतलब थोड़ा ज़्यादा है, कम ब्राइटनेस को भी आप ज़्यादा ब्राइटनेस ना समझ लो, इसके लिए मैं 800 पे रखा है। सो दोस्तों अभी रूम का जो लाइट है उसको बंद कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सो मोबाइल से बंद कर दिया, अभी इसकी लाइट हम लोग ऑन करेंगे। सो एक्चुअली बेस का लाइट ऑन हो गया,
सो देख सकते हैं ये हुआ एक नंबर पे। एंड लैम्प इतना मतलब बड़ा है ना, देखो ये ऊपर तक कर रहा हूँ, मेरे हाइट से भी ऊपर जा रहा है, इतना हाइट है, कैमरा में भी मतलब पूरा नहीं आ रहा है, ये देखो इतना बड़ा लैम्प है। बाय द वे टच हो गया, बाय द वे टच होके ये बंद हो गया था, सो देखो अभी ऑन कर दिया है। एंड देख सकते हो ये इंटेंसिटी वन पे है, हाँ ये देखो इंटेंसिटी वन, फिर टू, फिर थ्री, 400 ल्यूमेन लाइट प्रोड्यूस करता है। एंड लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, ISO को मैंने 800 पे सेट किया है, तो आप समझ ही रख सकते हो कि एक ISO जो है वो कम है, लेकिन ये कितना अच्छा मतलब मतलब कितना अच्छा लाइट को स्प्रेड कर रहा है चारों ओर। और ये जो कॉर्नर है ना, आपको थोड़ा सा अंधेरा जैसा मेरे ख्याल से दिखेगा, लेकिन उतना ज़्यादा है नहीं, या फिर ये वाला साइड उतना है नहीं, उससे थोड़ा ब्राइट है, लेकिन मैं ISO को 800 करके रखा है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि लाइट तो चलो बढ़िया दे रहा है लेकिन यहाँ पे लाइट दे नहीं रहा है, ऐसा सिचुएशन होना नहीं चाहिए, इसके लिए ISO कम करके रखा है। सो बहुत बहुत अच्छा लाइट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। एंड अभी आई कंफर्ट कितना देता है वो चीज़ देखना पड़ेगा इन फ्यूचर में, क्योंकि वो एक दिन में मैं आपको बता नहीं सकता। 1, 2, 3 इतना बड़ा लैंप है, मैं क्या बोलूँ, सचमुच सचमुच मुझे बहुत दिनों बाद इतना मतलब बढ़िया क्वालिटी का लैंप मिला है। और जो 4,500 एक्चुअली MRP लिखा है 4,500, इसके लिए अगर 2,500 भी मांगे ना तो फिर जस्टिफाइड है, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, अगर आप ऑफिस में रखने वाले हो तो आप 3,000 दे के भी ये लैंप ले सकते हो, सीरियसली मतलब उस लेवल का क्वालिटी है इसमें। मुझे 999 में मिल गया वो अलग बात है, लेकिन आप उसका वेट करोगे तो शायद ना भी मिल सकता है। बाय द वे यहाँ पे दो स्विचेस है दिया गया है, दोनों टच है, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूंगा, सो लाइट को थोड़ा सा कम करूंगा, नीचे वाला स्विच। सो देख सकते हो यहाँ पे दो बटन दिया गया है, टच बटन। सो सबसे पहले नीचे वाला, मेरे ख्याल से ये जो मेन लाइट है इसके लिए, इसके इंटेंसिटी कम ज़्यादा के लिए। सो नीचे वाला दबाऊंगा, देखिए बढ़ गया फिर से और एकदम बंद, देखो 1, 2, 3 बंद। एंड जो ऊपर वाला है ना, इसमें RGB लाइट ऑन हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये देखो RGB लाइट ऑन हो गया। ये लाइट को थोड़ा सा कम करूँगा, बंद कर दिया चलो। और RGB में ना आप सिलेक्ट कर सकते हो, देखो ये मालूम नहीं आपको कितना मालूम चल रहा है, चलो देखो RGB को मैं थोड़ा सा ये ऊपर ऐसा उठा देता हूँ, नहीं तो आपको नहीं दिखेगा, सॉरी जूम इन हो चुका है, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, देखो ऐसा कुछ फील देता है। सो RGB जो है, RGB को मैं बंद किया, चालू किया, और इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखो ना, लॉन्ग टच, लॉन्ग टच में ऐसा चेंज होते रहता है। जो ई कॉमर्स साइट है उसमें इतना डिटेल में लिखा नहीं है कि लाइट ऐसा चेंज होता रहेगा, या फिर जो भी रिव्यूज़ है उसमें भी लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा लॉन्ग टच करके रखोगे देखो RGB चेंज होते रहेगा। और देखो हल्का सा लाइट ऑन हो गया ऊपर में, एंड नीचे भी RGB जो है वो चेंज होते मतलब चेंज हो रहा है धीरे धीरे। सो ऑफिसेस के लिए ये लैम्प तो एकदम परफेक्ट है, हाँ ऑफिसेस में दिन में भी लैम्प्स यूज़ होते हैं, लैम्प्स नहीं एक्चुअली दिन में जो लाइट है ना ऊपर में वो बहुत से जगह पे ऑन रहते हैं, बहुत सारे ऑफिसेस ऐसे हैं जिसके जिसमें कि लाइट तो सफिशिएंट कुछ जगह पे नहीं रहते, कुछ जगह पे रहते हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम ऑफिसेस में देखा है कि दिन में लाइट ऑन रहते हैं। सो वहाँ पे आप इसको आसानी से रख सकते हो टेबल के ऊपर, लाइट यूज़ हो ना हो इट डजेंट मैटर, अगर कोई क्वालिटी प्रोडक्ट होना टेबल के ऊपर जो जाना चाहिए वो आप रख सकते हो। हाँ आगे के टाइम में क्या होता था कि ऐसे बड़े लैंप आते थे, ऑफिस लैंप बहुत कम थे, बहुत कम, और जो ऑफिस लैंप आते हैं ना एक्चुअल में 8,000-10,000 बड़े बड़े मतलब 5-star डिलक्स होटल में देख लो। सो उतने रेंज का लैंप रहता है टेबल के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कोई सेंस उतना बनाता है। चलो इतने प्राइस में अगर ये लैंप मिल गया तो मॉडर्न लुक भी देता है, सो बहुत अच्छा लैंप है। सो लाइट को ये नीचे का बंद कर दिया, एंड देखो नीचे का फिर से ऑन करूँगा, एंड ये वाला ऊपर का जो है ना ये बंद कर देता हूँ,
देखो ये ऐसे ही ऑन करोगे ना चेंज नहीं होगा। इसको देखो इसको आपको टच करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग अलग एरिया पे अलग अलग कलर दिया गया है, तो आप जो जिस जगह पे टच करोगे वो वाला कलर ये प्रोड्यूस करेगा। शायद अभी उतना अच्छे से लाइट को शो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। लॉन्ग टच करके रखूंगा एंड तभी देखो ये जो RGB है वो चेंज होते रहेगा। देखो रेड की तरफ जा रहा है, मतलब पिंक, फिर रेड, ऑरेंज, येलो होके ग्रीन की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। हाँ ग्रीन हो गया, अभी ब्लू मतलब स्काई ब्लू, फिर ब्लू की तरफ जा रहा है, अब ब्लू हो गया, फिर पर्पल, फिर से वही पे, अभी फिर से रेड की तरफ जाएगा धीरे धीरे, पिंक, अभी फिर से रेड। दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो पोर्शन है ना, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, सो चलो रूम का लाइट मैं ऑन कर लेता हूँ। देख सकते हो ये जो लाइट वाला हिस्सा है ना, ये नीचे का लाइट भी बंद कर लेता हूँ। ये देखो ये जो हिस्सा है ना, पिंक, ब्लू, ग्रीन, सो ग्रीन वाले स्विच में अगर दबाऊंगा, पहले लाइट को ऑन कर लेता हूँ, अगर ग्रीन वाले में दबाऊंगा तो ग्रीन हो जाएगा। देखो ग्रीन हो गया, फिर ये देखो पर्पल वाले जो एरिया है वहाँ पे पिंक, इसके बाद देखो ब्लू वाला एरिया में टच किया तो ब्लू हो गया, फिर यहाँ पे टच किया रेड वाले एरिया में, तो रेड नहीं एग्जैक्ट पिंक में टच किया, रेड में टच करूँगा तो देखो रेड भी हो जाएगा। तो देखो कलर को अपना ऐसे चेंज कर सकते हो, देखो चेंज हो रहा है कैसे। सो यहाँ पे यहाँ से इजीली आप कलर को चेंज कर सकते हो, जहाँ पे आपको रखना है रख दो। सो आप किसी भी जगह पे इसको ऐसा रख सकते हो, मतलब ऐसा पॉज करके, पॉज नहीं मतलब ऐसा टच करोगे तो वो लाइट हो जाएगा। ये गया एक नंबर। एंड सिर्फ अगर एकदम मतलब ये ऊपर वाला स्विच है वो टच करके रखोगे तो ऐसा RGB चेंज होते रहेगा। ये लाइट को बंद कर देता हूँ, मेन को अभी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, रूम का लाइट को मैं बंद कर देता हूँ। देखो अभी समझ में आ रहा होगा, ये धीरे धीरे ना चेंज हो रहा है। सो ये इसका मतलब एक बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तो प्रॉपर रिव्यू मैं नहीं दे सकता, लेकिन इनिशियल ओपिनियन से यही बता सकता हूँ कि एक बहुत बढ़िया लैंप आपको मिल जाएगा सिस्का की तरफ से। ये लैंप बीच में मतलब मिसिंग भी था बहुत टाइम अवेलेबल भी नहीं था। एंड मैं पहले जब भी इसका प्राइस चेक करता था ना, 3,000 के ऊपर मतलब 4,500 भी दिख रहता था, मुझे को लगता था क्या है इस लैंप में, ना तो वाईफाई है ना तो कुछ है, कितना प्राइस किसके लिए मांग रहा है। लेकिन मैं प्रीमियम बिल्ड अगर बोलूँ, सच में प्रीमियम बिल्ड है। लेकिन अगर आप पूछोगे मेटल है क्या, मैं बोलूंगा नहीं मेटल नहीं है, ABS प्लास्टिक है। लेकिन ABS प्लास्टिक में भी अभी तक जितने सारे लैंप का ABS प्लास्टिक देखा है, दिस इज बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। सो दोस्तों इसका कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। इसका जो लाइट है वो 10 वाट का मतलब LED दिया गया है इसमें। ये देखो ये फुल इंटेंसिटी पे हो गया अभी। कितना लाइट ये प्रोड्यूस करता है, ये 400 ल्यूमेन तक लाइट प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली स्टडी लैम्प का सही पोजिशन ये नहीं है कि सर के ऊपर से आएगा, आँख के नीचे रहेगा और आँख में डायरेक्ट नहीं आएगा, ऐसा सिचुएशन रहेगा। ये एकदम सही है। बहुत मतलब अच्छा खासा लाइट है। बाय द वे एक चीज़ बता दो, इसको मैं एक नंबर पे आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक रहा, रात में कोई सो रहा है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एक नंबर पे, सच बात बोलूँ।
दो नंबर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, बहुत अच्छे से। तीन नंबर पे तो एकदम यहाँ पे डेलाइट जैसा कर दिया, सो देखो कितना लाइट। बार बार मेरा ऐसा टच हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली पहला बार इसको हैंडल कर रहा हूँ एंड लैम्प जो है थोड़ा गूस शेप का दिया गया है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है पहले पहले। अभी मतलब पहले पहले वो अभ्यास नहीं रहता है ना, मतलब दूसरा लैम्प को जैसे आप हैंडल करते हो तो वो ही प्रैक्टिस हो जाता है, तो इसमें भी वो ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन इसका टच जो पॉइंट है वो थोड़ा अलग है दोनों जगह पे, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर एक सिंगल वर्ड में ये लैम्प को मैं डिफाइन करूँ तो वो वर्ड है एलिगेंट। मतलब मुझे इतना बढ़िया लग रहा है ये लैम्प, मतलब जब बिल्ड क्वालिटी देखोगे ना वही आपका दिल खुश कर देगा। मतलब आप लो ना लो बात की बात है, लेकिन मतलब आप दूसरे लैम्प से भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन बिल्ड क्वालिटी ही दिल खुश कर देगा। लाइट वाइट बहुत सब तो है अच्छा, लाइट अभी तक मुझे कोई भी इशू फेस नहीं हो रहा है, लाइट भी अच्छा है। हाँ सॉफ्ट लाइट उतना है कि नहीं है वो लॉन्ग टर्म में मालूम चलता है कि आइस को स्ट्रेन आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सब मैं इस वीडियो में बोल के मतलब वीडियो को ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस वो एक अलग चीज़ होता है जो कि मैं आपको रिव्यू वीडियो में बताता हूँ, डिटेल रिव्यू वीडियो में। सो दोस्तों कुछ चीज़ें थे जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया, जैसे 10 वाट का LED दिया गया है, 400 ल्यूमेन का लाइट ये प्रोड्यूस करता है, नीचे ऐसा RGB LED लाइट दिया गया है, शाम के टाइम में एक अच्छा सा एम्बियंस क्रिएट करेगा, नॉन रिचार्जेबल लैंप है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये चलेगा नहीं। दोस्तों अगर बात करें वारंटी की तो जो ई कॉमर्स साइट से मैंने इसको परचेस किया था वहाँ पे वारंटी का कुछ मेंशन था नहीं, लेकिन यहाँ पे वारंटी का मेंशन है कि 2 साल का वारंटी आपको इस लैंप के ऊपर मिल जाएगा। दोस्तों इस लैंप का बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो वो बेस्ट बाय लिंक पे क्लिक करके सबसे अच्छे प्राइस में इसको परचेस कर सकते हो, एंड सचमुच ये एक बढ़िया लैंप है। अगर आप प्राइस की चिंता मत करो, मतलब ना करो, तो वो एक बढ़िया लैंप है। अगर बजट का कोई ऐसा ये नहीं है कि मुझे इसके अंदर लेना है उसके अंदर लेना है, आप आराम से ले सकते हो। अगर इस लैंप का प्राइस 2500-3000 भी हो जाए ना, क्वालिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वाईफाई है ये है तो फिर जस्टिफाइड है, वैसा नहीं, क्योंकि नॉन रिचार्जेबल जो लैंप है ना मैंने देखा है प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्वालिटी भी बेटर रहता है, उस हिसाब से बोलो 3000 तक ये लैंप जस्टिफाइड है। अच्छा होगा कि 2500 के अंदर आ जाए या फिर 2000 तो नहीं, चलो मुश्किल है, लेकिन मुझे 999 दिखा था, मैं मौका नहीं छोड़ा, मुझे दिखा मैंने तुरंत इसको ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बहुत सालों से ये लैम्प को 4500 रुपये में देख रहा हूँ, आज की बात नहीं है, शायद 18-19 मतलब 20 ये इन जो सालों थे ना, मतलब ये सालों में मैं इनको मतलब ये लैम्प को उतना प्राइसिंग में दिख रहा था, मैं मेरा मन भी करता था चलो इसको ऑर्डर करके रिव्यू करूँ, लेकिन मुझे मालूम था कि इतना महंगा लैम्प मैं ऑर्डर करूँगा, क्योंकि मैं लैम्प को कोई भी चीज ऑर्डर करता हूं ना मैं रिटर्न नहीं करता हूं, खुद के पैसे से खरीदता हूं, रिव्यू करता हूं। हां कुछ कंपनीज मुझको प्रोडक्ट भेजते हैं उनको मैं बता देता हूं, देखो ऑनेस्ट रिव्यू आने वाला है, आपको एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं तो प्रोडक्ट भेजो ही मत, क्योंकि मैं ऐसा पेड रिव्यू नहीं करने वाला हूं। आप पे मतलब पेमेंट रहता है उसमें, आप पेमेंट मुझे ये चाहिए मैं भी डिमांड करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब रिव्यू कर देता हूं, लेकिन उसमें कि ऑनेस्ट रिव्यू आएगा वो भी चीज़ मैं बता देता हूं। एंड ये लैम्प के ऊपर भी मतलब ऐसा था कि चलो कोई तो भेजने नहीं वाला है, मुझे खुद से ही ऑर्डर करना पड़ेगा, एंड इतना पैसा खर्च करूंगा, रिटर्न भी नहीं करूंगा, इन फ्यूचर और वीडियोस बनेंगे इस लैम्प के ऊपर, लेकिन मन नहीं मान रहा था, लेकिन अभी 999 में मिल गया ना, मतलब मेरा दिल खुश हो गया। बाय द वे जैसा बताया इसका बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो परचेस कर सकते हो, प्राइस ड्रॉप होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, मैं वीडियो को और नहीं खींचूंगा, बहुत ज्यादा कुछ पॉइंट बताया नहीं मैं वीडियो में, मतलब इस लैम्प से मैं इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया, पहला बार शायद ऐसा हुआ कि इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया कि सिर्फ लैम्प के बारे में ही बात कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोस आने वाले हैं।